बीते दिन गया के मारंगपुर मोहल्ले के नागरिकों में उस समय आक्रोश व्याप्त हो गया जब अंचलाधिकारी गया के द्वारा एक मकान को तोड़ने आए थे। मौके पर उमड़ी भीड़ ने कहा कि अंचलाधिकारी एक विधवा निर्मला देवी का मकान को तोड़ने के लिए पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। अधिकारियों को मोहल्ले वासियों के विरोध को देखते हुए वापस मजबूर होकर लौटना पड़ा। दरअसल निर्मला देवी ने कहा कि जिस जमीन पर मेरा मकान बना हुआ है उसका पुराना खाता नंबर 500 है और नया खाता संख्या 500/1492, जबकि इस प्लॉट पर लगभग 1000 मकान बने हुए हैं, तो फिर एक मकान को किस आधार पर तोड़ने के लिए अंचलाधिकारी आए हैं। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी जो नोटिस जारी किया है उसका खाता संख्या 500/253 है, इस खाता संख्या से मेरा मकान का कोई लेना देना नहीं है, जबकि कुछ लोग से पैसा लेकर इस तरह की मनमानी करने का मामला प्रकाश में आया है और उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया गया है। अंचलाधिकारी के द्वारा दर्शित नोटिस में खाता संख्या 253/500 है, जिसका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी इस मकान को तोड़ने के लिए आना, यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार कहां तक अपनी जड़ें जमा चुका है। आज जितनी भी जमीन का मामला दर्ज है उन सभी में अंचलाधिकारी के द्वारा गलत तरीके से काम करने के कारण ही जमीन विवाद बिहार में बढ़ रहा है। बिहार के गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 1492 नोटिस आया है हाई कोर्ट से, 500 हाई कोर्ट से नोटिस मिला है, ब्लॉक से नोटिस मिला है। कौन दिए हैं? सीएस है, 253 है, 253 पर नोटिस दिए हैं। हाँ। आपका प्लॉट जो है, जो घर बना हुआ है, वो कितना नंबर प्लॉट पर है? 1492 प्लॉट पर है। उस नोटिस दे करके चले गए, एक बार भेट हुए और उसके बाद हम लोग 10 बार उनके पास गए हैं, एक बार नहीं भेट हुए। हम लोग हर समय आता है कि मकान तोड़ देंगे, चेक कर देंगे, और 5 तारीख को मेरा नोटिस दिया, लास्ट में नोटिस दिया गया है 5 दिसंबर को नोटिस दिया गया है, 14 तारीख के बाद हम लोग कितने जल्दी कहाँ से कर सकते हैं। आपको न्यायालय से भी नोटिस प्राप्त हुआ है क्या? नहीं, के लिए 3 मुस्लिम जमीन देने का काम कर रहा है, वादा कर रही है, और कुछ कुछ अपने मेहनत से सर अपने लोग अपने झोपड़ी असियाना बनाए हैं उसको हाई कोर्ट के नाम पर तोड़ने का जो काम करेंगे हम बर्दाश्त तो नहीं जिनका करेंगे। घर को टारगेट किया गया, क्या न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ है क्या? नहीं, न्यायालय का नोटिस नहीं है, उच्चाधिकारी का नोटिस, कुछ कागज इनको मिला है, वो जो है जिनका मकान है उनसे हम लोगों ने बात किया, सरासर ये गलत है। मकान मालिक तो बोल रहे हैं कि जो भी नोटिस हमको प्राप्त हुआ उस पर प्लॉट नंबर गलत है। हाँ, मेरा उस घर प्लॉट नंबर है ही नहीं है जिस घर मकान जो बना हुआ। हाँ, जो 500 के एरिया में जो उनका मकान का नक्शा है उस नक्शा में इनका मकान भाई दी में आता भी होगा तो सारे मकान तोड़ा जाए, इनका मकान क्यों तोड़ा जाए, एक मकान क्यों तोड़ा जाएगा? नहीं बोले, जो प्राप्त हमको नोटिस है 253 का तो उस पर मेरा मकान ही नहीं बना हुआ, प्लॉट ही नहीं है। दूसरा ऐसा वो तो जिनका मकान है जो इस जगह के लोग हैं, हम तो दूसरे जगह से आए हैं, हम इनका जो किसी पर अत्याचार होता है जुल्म डाया जाता है उसमें हम लोग मुझे बार बार 253/500 का नोटिस दिया जाता है ब्लॉक द्वारा। तो 253 पर आपका घर बना हुआ है? नहीं, मेरा घर बना हुआ है 500 पे, 253 किसी आस पास का नाम है, उसका नाम है, वो तो जो जो बहुत आगे है, 253 मेरा है नहीं, लेकिन मैं हमें बार बार नोटिस दिया जा रहा है 253/500 पे। आज क्या घटना घटी? आज घटना घटी कि CO साहब पुलिस दल के साथ एसीबी के साथ हमारा घर तोड़ने के लिए आए, यहाँ की जनता पूरा उग्र हो गया कि भाई 500 प्लॉट में एक मकान को क्यों तोड़ा जाए तो सभी को तोड़ा जाए, तो एक ही मकान को तोड़ा जाए, एक ही मकान को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मेरा, एक बगल में मेरा जमीन है उसको टारगेट किया जा रहा है। आपको न्यायालय से नोटिस आया है क्या? नहीं, हम लोग का नोटिस ब्लॉक से आया है। ब्लॉक से कौन दिए हैं? CO साहब भेजा है। अब क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, और तोड़ा जाए तो सभी को तोड़ा जाएगा, किसी को नहीं तोड़ा जाए।